सो हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारे सामाजिक शोध का तर्क सामाजिक शोध का तर्क। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे सामाजिक शोध का तर्क, जो सोशियोलॉजी में हम शोध करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसका तर्क, उसकी रीजनेबिलिटी क्या है। तो यह आशा की जाती है कि इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आपको सामाजिक शोध के तर्क से जुड़ी निम्नलिखित विषय वस्तुओं पर चर्चा करना सरल लगेगा। विज्ञान पर बहस, वैज्ञानिक विधि का महत्व, समाज के विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का स्वरूप, समाज के विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का स्वरूप, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रस्तावना हम देख रहे हैं इसकी। शोध पद्धतियां की यह प्रथम इकाई है। वर्णनात्मक शैली में लिखी गई इस इकाई में समाज के विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति पर चर्चा की गई है और विज्ञान को अपने आसपास की जगत को समझने को के एक तरीके के रूप में देखा गया है। कामटे के विचारों पर की चर्चा करते हुए, यह इकाई सामाजिक विज्ञान में प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन और उसकी विधियों की ओर अग्रसर होती है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में प्रेक्षण क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है और उसकी विधियां क्या है, उसकी ओर अग्रसर होती है। वैज्ञानिक अवलोकन से उच्च स्तरीय सामान्यीकरण प्रस्तुत करने या सिद्धांत निर्मित करने की संभावना मिलती है। इकाई तीन में सिद्धांत निर्माण के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। सामाजिक विज्ञान में व्यक्ति अनुभविक मतलब जो अनुभव जन्य होता है, सामाजिक विज्ञान में क्या होता है, जो सोशल साइंस है हमारी, उसमें व्यक्ति क्या शेयर करता है, जो हमारे अनुभव से ज्ञात हुआ है, कि जानकारी कैसे एकत्रित करें, सामाजिक वास्तविकता के समझने में आनुभविक दृष्टिकोण किस आधार पर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, आनुभविक दृष्टिकोण किस आधार पर बनता है, इस संबंध में विस्तार से इकाई दो में बताया जाएगा। आइए सामाजिक विज्ञान में विज्ञान पर विचार विमर्श से शुरू करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में विज्ञान पर विचार विमर्श से शुरू करते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान जो होती है हमारी सोशल साइंस है, उसमें साइंस क्या है उस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान शोध का मानव विचारधारा, सामाजिक विज्ञान शोध को मानव विचारधारा के विकास के इतिहास में की पृष्ठभूमि के सहारे समझा जा सकता है। आइए पहले समाजशास्त्र की दार्शनिक बुनियादों की जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। आइए पहले समाजशास्त्र की, जो समाजशास्त्र सोशल साइंस है, उसकी दार्शनिक बुनियादों की जानकारी प्राप्त करें, जो बुनियाद है, जो उसका बेसिस है, दार्शनिक बुनियाद जो फिलॉसफी होती है उसकी बुनियाद की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो समाजशास्त्र पश्चिम में प्रारंभ हुआ था। समाजशास्त्र ये सोशियोलॉजी है, ये जो सोशियोलॉजी टर्म है हमारा, सामाजिक विज्ञान जिसे हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ये पश्चिम में वेस्ट में प्रारंभ हुआ था और उसकी जड़ें यूरोप प्रारंभिक यूनानी दार्शनिक विचारों में व्याप्त थी। अरस्तु प्रथम तार्किक था, अरिस्टोटल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, प्रथम तार्किक था, रीजनेबल रीजन से वो काम करता था, जिसने विरासत में प्राप्त परंपरा और रीति रिवाज से अधिक मान्यता मनुष्य की तर्क क्षमता को दी। मतलब विरासत से प्राप्त परंपरा और रीति रिवाज से अधिक, जो भी रीति रिवाज चले आ रहे थे या जो भी परंपरा थी, उससे अधिक उसने मनुष्य की तर्क क्षमता को क्या दी, प्राथमिकता दी, मान्यता दी, ठीक है। हमारा यह प्रयास नहीं है कि हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति प्लेटो और कन्फ्यूशियस से अथवा महाभारत काल से या हम्मुराबी के कूटों में दिखाएं, ठीक है, कूटों में दिखाएं। मतलब ये नहीं है कि प्लेटो और कन्फ्यूशियस से अथवा महाभारत काल से हम दिखाएं। हमारा प्रयत्न तो केवल इतना है कि सामाजिक शोध के तर्क को समझें, कि मतलब सोशियोलॉजी का जो शोध है वो कैसे होता है, और इसी संदर्भ में हमने अरस्तु की चर्चा की। तो अरस्तु के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अरस्तु के बारे में जानते हैं, अरस्तु कौन थे, जिन्हें इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं। तो प्लेटो के विद्यार्थी और सिकंदर महान के शिक्षक, ये जो थे कौन थे, प्लेटो के विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, और सिकंदर महान जो अलेक्जेंडर कहा जाता है उसके महान के शिक्षक थे,
उसके अध्यापक थे मतलब। तो सिकंदर महान के शिक्षक थे कौन? अरस्तु। अरस्तु का जीवन काल 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व मतलब कि 300 ईसा पूर्व मतलब कि 300 BC में हुआ है। उन्होंने प्रधान आधारिका प्रिमाइस और गौण आधारिका प्रिमाइस और निष्कर्ष नामक तार्किक शोध के सबसे प्रारंभिक रूप को प्रस्तुत किया है। यदि प्रथम दो अर्थात प्रधान आधारिका और गौण आधारिका आधारिका सही है या तथ्यों पर आधारित है तो निष्कर्ष भी सही होगा। उदाहरण के लिए प्रधान आधारिका है कि मानव जाति नश्वर है। प्रधान आधारिका क्या है मतलब मेन बेसिस क्या है, मेन बेसिस क्या है कि मानव जाति जो है वो नश्वर है, नश्वर मतलब वो मर सकती है। और गौण आधारिका है कि हरि एक मानव है, हरि जो है भगवान को एक मानव माना गया है, तो इसका निष्कर्ष यह होगा कि हरि नश्वर है। हरि क्या है? नश्वर है। तर्क का यह रूप अरस्तु का न्याय वाक्य है। तर्क का यह रूप अरस्तु का न्याय वाक्य का सिद्धांत आगमनात्मक तर्क के विपरीत होते हुए निगमनात्मक तर्क कहलाता है। ठीक है। पश्चिमी वैचारिकी के इतिहास में 1600 ईस्वी तक अरस्तु के तर्क का प्रभुत्व बना रहा और यह अरबी और मध्यकालीन लैटिन परंपराओं से भी प्रचलित हुआ। लगभग 2000 वर्षों के पश्चात इटली में गैलीली जीवन काल इनका है 1564 से 1642 ईस्वी। इंग्लैंड में फ्रांसिस बेकन जीवन काल है 1561 से 1620 और डेनमार्क में टाइको ब्रा जीवन काल 1546 से 1601 तथा अन्य विचारकों ने पाया कि भले ही अरस्तु किया कि तर्क की निगमनात्मक विधि में किसी भी प्रकार की तार्किक त्रुटियां नहीं थी, फिर भी यह प्रकृति के बारे में वैज्ञानिक खोज से मेल नहीं खाता है, खाता था। ठीक है। तो पश्चिमी वैचारिकी जो थी, जो वेस्ट की आइडियोलॉजी थी, वैचारिकी का मतलब आइडियोलॉजी, तो 16वीं ईस्वी तक अरस्तु के तर्क का प्रभाव प्रभुत्व बना रहा और यह अरबी और मध्यकालीन लैटिन परंपराओं में भी प्रचलित हुआ। लगभग 2000 वर्षों के पश्चात इटली में गैलीलियो 1564 से 2000 वर्षों के पश्चात इटली में गैलीलियो गैली जीवन काल 1564 से 1642 और इंग्लैंड में फ्रांसिस बेकन के और डेनमार्क में टाइको ब्रा जीवन का लिए है। अन्य विचारकों ने पाया कि भले ही अरस्तु की तर्क का निगमनात्मक विधि में किसी भी प्रकार की तार्किक त्रुटियां नहीं थी, फिर भी यह प्रकृति के बारे में वैज्ञानिक खोज से मेल नहीं खाता था। परिणाम स्वरूप आगमनात्मक नामक तर्क की नई वैज्ञानिक विधि के अनुयायियों के निगमनात्मक विधि को अस्वीकार कर दिया गया। अब देखते हैं काफी लंबे समय तक तर्क के समर्थकों को अलौकिक सत्ता और ईश्वर की इच्छा के परे मानव तर्क और बौद्धिकता की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। काफी लंबे समय तक तर्क के समर्थकों को अलौकिक सत्ता और ईश्वर की इच्छा के परे मानव तर्क और बौद्धिकता की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। अठारहवीं शताब्दी आने तक तो पश्चिमी जगत में तर्क और बौद्धिकता की जीत नहीं हो पाई थी। केवल पुनर्जागरण के साथ ही 14वीं शताब्दी से इटली में प्रारंभ हुई ओजस्वी कलात्मक और बौद्धिक गतिविधि वाला इपह आंदोलन अथवा जो युग 17वीं शताब्दी में समाप्त हुआ, आखिरकार यह स्वीकार किया गया कि समाज दिव्य
शक्ति द्वारा नियंत्रित भगवान की रचना नहीं है, बल्कि समाज मानव जाति द्वारा सृजित एक सृष्टि है जिसका एक निष्पक्ष और परिवर्तनशील अस्तित्व है, और ऐसे समाज का अध्ययन बाहर से किया जा सकता है। ठीक है ना? मतलब ये बात है कि 18वीं शताब्दी आने तक पश्चिमी जगत में तर्क और बौद्धिकता की जीत तो नहीं हो पाई थी, लेकिन केवल पुनर्जागरण के साथ ये स्वीकार कर लिया गया कि समाज दिव्य शक्ति द्वारा नियंत्रित भगवान की रचना नहीं है, बल्कि समाज मानव जाति द्वारा सृजित एक सृष्टि है जिसका निष्पक्ष और परिवर्तनशील अस्तित्व है, और ऐसे समाज का अध्ययन बाहर से किया जा सकता है। ये बात हुई। अब समाजों का क्रमिक विकास, समाजों का क्रमिक विकास देख लेते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के वाल्टेयर, जीवन काल 1694 से 1778, मॉन्टेस्क्यू जीवन काल 1689 से 1758, ह्यूम जीवन काल 1711 से 1776 इत्यादि जैसे इतिहासकारों और दार्शनिकों ने सामाजिक अस्तित्व की सच्चाई के बारे में कुछ मूलभूत आधारिकाओं प्रेमिसिस को प्रस्तुत किया है। मूलभूत आधारिकाओं को प्रस्तुत किया है। ये आधारिकाएं सार्वभौमिक इतिहास के रूप में थीं। इनमें उस मूलभूत मान्यता को स्थान दिया गया है जिसके अनुसार सभी समाजों का विकास होता है, और जिस रूप में आज वे हैं उस तक पहुंचने के दौरान वे विभिन्न परिवर्तनों से गुजरे हैं। इस मान्यता में प्रगति के विचार समाहित होते हैं। इसके अनुसार चीजें बेहतर की ओर अग्रसर होती हैं। मानव जाति का चरम लक्ष्य तर्क की विजय है।